नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस योद्धा पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसर पेट्रोल पंप के बारे में, और इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे खोलना है पेट्रोल पंप, किन चीज़ों की है ज़रूरत, कितनी ज़मीन चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, कितना होगा इन्वेस्टमेंट और कितना होगा प्रॉफिट। ये सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बाद मैं आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस दिखाऊंगा कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। पेट्रोल पंप के लिए आपका भारतीय होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और साथ ही में जो आपकी उम्र है वो 21 साल से 55 साल के बीच में अगर आपकी उम्र होती है तो आप पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में आपको पंप खोलने के लिए, अगर आप ST या OBC में आते हैं और गांव क्षेत्र में आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, तो आपका 10वीं पास होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और अगर आप जर्नल हैं तो आपका 12वीं पास होना अति अनिवार्य हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप अपना पेट्रोल पंप शहर में खोलना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना मैंडेटरी हो जाता है। विदाउट ग्रेजुएशन आप अपने सिटी के अंदर अपना पेट्रोल पंप नहीं खोल पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, आपकी बैंक पासबुक और जगह का कागज़, जो भी जगह आपके पास है आपके पास उसके फुल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपका आधार कार्ड आपका अपना होना चाहिए और पासबुक आप फोटोकॉपी लगाते हैं। तीसरा दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके यहाँ पे, आधार कार्ड, पैन, एड्रेस प्रूफ जैसा मैंने आपको बताया। और साथ ही में अगर आपकी भूमि कृषि में आती है तो कृषि भूमि को आपको नॉन एग्रीकल्चर लैंड सर्टिफिकेट लेना होगा अपनी भूमि का। और अगर आपने ये अपनी प्रॉपर्टी लीज पर ली है तो आपके पास लीज एग्रीमेंट होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जगह जानने वाले की है तो आपको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। अब मैं आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट इसमें करीब 2 से 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी फ़ीस जमा होगी, और इसको पूरा पेट्रोल पंप खोलने के प्रोसेस में आपके करीब 15 से 25 लाख रुपए लग सकते हैं आसानी से, और कई बार इसे आंकड़ा इससे ज़्यादा हो जाता है। और इसमें प्रॉफिट की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल बेचने पे आपको करीब 2.5 रुपये से 3 रुपये का प्रॉफिट होगा, साथ ही में आपको 1 लीटर डीजल बेचने पर 2.5 से 3 रुपये का भी पेट्रोल का प्रॉफिट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा ऑनलाइन प्रोसेस पूरी तरीके से आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप एक एसर का पेट्रोल पंप का ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर गूगल पर डालना होगा एसर पेट्रोल पंप डीलरशिप, हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है .com, ये एक ऐड चल रहा है गूगल के ऐड तरफ से, तो हमको यहाँ पे नहीं जाना है। हम जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि narayanaenergy.com का ये नारायणा एनर्जी का पेट्रोल पंप है, तो हम इसके लिए आपको पूरा बताते हैं। और फ्रेंचाइजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसा कि मैंने बताया है आपको, सेम एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस ओपन होगा जिसके ऊपर सबसे पहले आपके लिए फ्रॉड अलर्ट आ रहा है, जिसमें ये लोग नोटिफाई करवाते हैं आपको कि अगर नारायणा एनर्जी की तरफ से आपका जो आउटलेट के लिए आपको आवेदन करना है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वेबसाइट के थ्रू करना है, या और अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लेरिफिकेशन करने के लिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और इनको यहाँ पे मेल भी लिख सकते हैं narayanaenergy.com। इसके सिवा अगर आपको किसी और वेबसाइट या किसी और लिंक के थ्रू या किसी कस्टमर केयर के थ्रू आपके पास कोई कॉल आती है और वो क्लेम करते हैं कि वो आपको फ्रेंचाइजी दिला देंगे एसर पेट्रोल पंप की, तो आप बिल्कुल उन पर ट्रस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फ्रेंचाइजी अप्रूव होने वाली है वो आपको नारायणा की सर्विस की तरफ से ही अप्रूव होने वाली है, जो कि नारायणा एनर्जी की तरफ से आपको मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नारायणा एनर्जी की तरफ से बिल्कुल फिक्स है। ये यहाँ पर क्लेम करते हैं कि इनका एनरोलमेंट और कमीशनिंग का प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, और इनका दूसरे पेट्रोल या ऑयल गैस कंपनी की तरह यहाँ पे कोई टेंडर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं करते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी और आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो इनकी रिक्वायरमेंट से मेल खाता है तो आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर आपके नाम पे 1 महीने के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं, और इसके बाद आप अपना रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप का स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे याद यहाँ पे ये कहते हैं कि इनको जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका जो क्लियर टाइटल होना चाहिए आपके लैंड का, और आपके जो आइडियली इन द नेम ऑफ द फ्रेंचाइजी, आपका जो फ्रेंचाइजी इस नाम से लेनी है वो फ्रेंचाइजी आपके पास होनी चाहिए।
आपका जो लैंड है वो रोड से टच होना चाहिए, जहाँ पे आवागमन लोगों का ज़्यादा हो और ट्रैवलिंग लोड हो, जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा चलती हो और लॉन्ग रोड पे गाड़ी जाती हो। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास 800 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा जगह है गांव एरिया में तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया। और अगर आप हाईवे में लेना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे 1200 स्क्वायर फीट की ज़मीन होनी चाहिए, तो इनका रिक्वायरमेंट एरिया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, अगेन एक बार फ्रॉड एडवाइजरी आपके सामने आती है, जस्ट बिकॉज आज के समय में फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं अपने व्यूवर से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप जो भी कुछ करें narayanaenergy.com की वेबसाइट के ही थ्रू करें, किसी कस्टमर केयर या किसी अदर लेटर पे आप बिलीव ना करें। और आपका अगर आपके पास कोई लेटर आता है या फिर कोई आपकी सर्विस कॉल आती है, कोई मेल आता है, तो आप एक बार ज़रूर मेल चेक कर लें कि वो मेल customer.care@narayanaenergy.com की तरफ से ही आपके पास आ रहा है। और इनकेस अगर आपके पास इसके सिवा कोई याद है तो आप यहाँ पे अपना कस्टमर केयर के पे अपडेट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंचाइजी सपोर्ट के लिए यहाँ पे नीचे मेल आईडी दी है, जहाँ पे आप इनसे अपने मेल के थ्रू बात कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस में करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, साथ में मेल आईडी डालेंगे और हाउ कैन यू फाइंड अस, आपको ये ऐड कैसे मिला, क्योंकि नारायणा सर्विस जो है आपको ये साथ ही साथ में, जैसे मैंने आपको बताया है कि पेट्रोल पंप के न्यूज़पेपर ऐड भी निकालती है। कई बार क्या होता है कि कंपनी के थ्रू एम्प्लॉय रेफरल भी होता है, या ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको पता चलता है, या कोई और कि किसी डीलर के थ्रू या कोई कंपनी का एक अलग से ही आपको इन्फॉर्म मिले, तो आपको वहाँ पे ही मेंशन करनी हो सकती है। आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, साथ ही में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करना है। जैसे कि आप स्टेट बिलोंग डाल देंगे, जैसे कि आपने अगर उत्तर प्रदेश डाल दें तो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 200 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप उसमें से अपने एक डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको एक एंटर आंसर करना है, जैसे कि 67 प्लस में 66 जितना होता है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। तो ये तो हो गया एक पूरा ऑनलाइन प्रोसेस कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।